जय प्रभु जी की। जय गुरुदेव। आज श्री प्रभु जी के चरित्रों में एक घटना हम लेकर आए हैं, जिसमें किस तरह से श्री प्रभु जी के बच्चों का भगवती काली से संवाद होता है, किस तरह से झड़प या झगड़ा होता है और किस तरह से प्रभु जी की कृपा से सारी घटनाक्रम शांतिपूर्ण तरीके से निपटता है, वो विवरण करेंगे। श्री प्रभु जी एक बार नासिक में कुंभ था। प्रभु जी अपने बच्चों के साथ नासिक पधारे और नासिक पर एक तंबू लगवाया गया। प्रभु जी के साथ अनेक उनके शिष्य थे, जिनमें मुख्यतः दो लोगों का नाम हम बताना चाहेंगे। एक हैं हरिहरानंद जी, जिनका नाम कई बार हम उल्लेख कर चुके हैं, वो थे, और एक सुंदरगिरी थे। सुंदरगिरी के बारे में बताना चाहते हैं कि वो डाकू सुंदर सिंह थे। और एक बार कहीं डकैती के बाद बहुत सारा उनको जेवरात सोना आदि मिला, ये जंगलों में जाके छुपा दिया करते थे। एक बार वो यही कार्य कर रहे थे, एक सिद्ध महात्मा वहाँ से निकले और पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, क्या है? इन्होंने सत्य बता दिया कि ये चोरी का सोना है और उसको मैं छुपा रहा हूँ ताकि भविष्य में इसको मैं उपयोग में ला सकूँ। उस महात्मा ने बोला कि क्या तुम मेरी बात मानोगे? सुंदरगिरी ने कहा बिल्कुल मानेंगे। बोले अच्छा, तो ये सारा सोना उठाओ, मेरे पीछे आओ। ये चले गए, पास में एक नदी आई। महात्मा ने कहा इसको फेंक दो। इन्होंने फेंक दिया, वो महात्मा प्रसन्न हो गए, उनके सिर पर हाथ रख दिया और वो सुंदर सिंह समाधिस्थ होके वो सिद्ध योगी बन गए। उनका नाम सुंदरगिरी पड़ गया। और ये योग में कहा जाता है, जब तक वृत्तियां हम शुद्ध ना करें, तो जैसे ही हम ध्यान से उठते हैं, समाधि से उठते हैं, तो अपनी मूल वृत्ति में आ जाया करते हैं। सुंदरगिरी मूल वृत्ति में तो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के ही थे, लेकिन जब ध्यान में जाते थे तो बहुत ऊंचे ध्यानी भी थे। तो प्रभु जी के साथ ये दोनों थे और वहाँ पर टेंट लगा के रहते थे। एक छोटी घटना और, कि जब जैसे प्रभु जी ने बोला कि भाई भोजन आदि की अन्न की व्यवस्था कर लो, तो महाराज जी बोला करते थे कि सुंदरगिरी जो थे वो मूल वृत्ति में तो कठोर स्वभाव के थे, उन्होंने क्या किया, ये देखा ध्यान में कि यहाँ पर कौन है, तो एक बड़ा सेठ देखा जो बड़ा दानान कर रहा था, तो पहले तो इन्होंने एक लिस्ट भेजी किसी से, गुरु भाई छोटे को बोला कि जाके सेठ जी को दे दो कि भाई इतना किलो दाल चावल घी आटा दे आए। सेठ जी ने भगा दिया कि नहीं भाई, हम इनको नहीं जानते, हम कुछ नहीं देंगे। जैसे इन्होंने सुना, इन्होंने उसके प्राण खींचने चालू कर दिए। जैसी प्राण सेठ के अटके, सेठ डर गया, उसने सब कुछ सामान भेज दिया। तो इस तरह से महाराज जी बोला करते थे कि वैसे तो ये योगी थे, बड़े सिद्ध थे, ये चाहते तो सेठ को मात्र प्रेरणा करके सारा काम करा सकते थे, पर मूल वृत्ति इनकी कठोर थी, इसीलिए ये कठोर रूप से हर काम करते थे। खैर, ये तो सुंदरगिरी के विषय में हुआ। तो वहाँ पर जहाँ प्रभु जी का टेंट था, उसके जस्ट पास में ही कुछ साधिकाएँ, कुछ योगिनियाँ आईं, उन्होंने अपना टेंट लगाना चालू किया। तो जब सुंदरगिरी ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं और वो वहीं पर तंबू गाड़ रही हैं जिससे टेंट से सटा के लगा के, तो इन्होंने उनकी जो मुख्य महिला थी, वो एक्चुअली भेष बदल कर महाकाली आई थी पाताल लोक से, और उनके साथ उनकी शिष्याएं थीं, योगिनियां थीं सारी। तो इन्होंने महाकाली को बोला कि देखिए, ये हम सब योगियों नागाओं के बाड़े हैं, आप महिलाओं का यहाँ रहना उचित नहीं, आप यहाँ से हटा ले जाओ और कहीं और दूर एकांत में आप टेंट लगाइए। महाकाली ने मना कर दिया, बोले कि अब टेंट तो गढ़ चुका है, हम तो यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं हटते। जब ये बोला तो सुंदर सिंह को क्रोध आ गया, सुंदरगिरी क्रोध आ गया। इन्होंने बोला कि तुम्हें हटाना ही पड़ेगा,
ऐसा जब उन्होंने मना किया, इन्होंने शक्ति का प्रयोग कर दिया। जैसी शक्ति का प्रयोग किया, माँ महाकाली ने तुरंत सुंदरगिरी की सारी शक्ति खींच ली और इनको बेहोश कर दिया। तब तक प्रभु जी के टेंट से अंदर जो बैठे हुए थे हरिहरानंद जी बाहर निकले। इन्होंने ये देखा क्या वाकया हुआ, इन्होंने भी समझ नहीं पाया। इन्होंने भी इनको क्रोध आ गया कि देखो हमारे भाई सुंदरगिरी को बेहोश कर दिया इस योगिनी ने। इन्होंने भी अपनी शक्ति चला दी। शक्ति चलाई महागौरी ने, माता महाकाली जो थी उन्होंने इनकी भी शक्ति खींचकर इनको भी बेहोश कर दिया। जब इनको बेहोश किया तो महाकाली को अत्यंत क्रोध में आ रही थी। इन्होंने बोला अच्छा ये दोनों शिष्यों को तो कर दिया, इनका गुरु भी जो अंदर बैठा है गुरु, इसको भी मैं ठीक करती हूँ। ये कहकर प्रभु जी के ऊपर शक्ति चला दी। जब प्रभु जी के ऊपर शक्ति चलाई, प्रभु जी के मन में आया अरे ये महाकाली को तो बड़ा घमंड हो गया है, ये देख भी नहीं रही किस पर शक्ति चला रही है। प्रभु जी मन ही मन सोचे चलो इसका घमंड उतारा जाए। प्रभु जी खड़े हुए, तभी आकाश में महाप्रभु जी जो स्वयं सदाशिव हैं प्रकट हुए और महाकाली को ताड़ना देते हुए बोले अरे काली तूने देखा नहीं ये कौन है, तू होश क्यों बैठी कि तू अपने ही भाइयों पर शक्ति चला रही है, अपने छोटे भाइयों पर शक्ति चला रही है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु जी से बोले महाराज मैंने पहले बल प्रयोग नहीं किया, इन बच्चों ने किया। बोले पर देख तो लेती तेरे छोटे भाई हैं वे। और उन्होंने तुरंत बोला कि देख काली तूने तो महा उद्दंडता कर दी, अब अपना टेंट उखाड़ और जहाँ से आई थी वहीं चली जा। जैसी महाप्रभु जी की आज्ञा हुई वो टाल ना पाई, तुरंत अपनी शिष्याओं को बोला अच्छा अब टेंट यहाँ से उखाड़ो और चलो पाताल वापस चलो। और महाकाली वहाँ से शिष्याओं समेत वहाँ चली गई पाताल। इधर हरिहरानंद जी और सुंदरगिरी दोनों स्वस्थ हो गए, दोनों शांत होकर प्रभु जी चरणों प्रणाम करके आ गए। तो इस तरह से ये घटना दिखाती है, दर्शाती है स्वयं श्री प्रभु जी जो स्वयं सदाशिव हैं, परब्रह्म रूप हैं, उनके लाडले बच्चे किस तरह से किसी भी देवी देवता के सामने क्यों ना हो सम्मान पाते हैं और प्रभु जी उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। और महाकाली के भी वो पुत्र ही हैं, लेकिन महाकाली भी कृपा करके उनको स्वस्थ करके गईं, प्रभु जी से माफ़ी मांग करके गईं। तो ये घटना बहुत कुछ ये दर्शाती है कि योग मार्ग में चलने वाले अपने गुरुदेव पर समर्पण करने वालों का हमेशा प्रभु जी रक्षा करते हैं, सदैव हित करते हैं। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।